गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रिटी एंड पिंक। इट्स मी नेहा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ O3 इंस्टेंट होम फेशियल किट फॉर रेडियंस एंड ग्लो का रिव्यू प्लस डेमो शेयर करूंगी। और जब मैं इस प्रोडक्ट का डेमो शेयर करूंगी तो एक डिटेल वे में शेयर करूंगी। ये जो फेशियल किट है इसमें हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जब मैं डेमो शेयर करूंगी तो आफ्टर यूजिंग ईच स्टेप या फिर आफ्टर फॉलोइंग ईच स्टेप आई विल शेयर व्हाट आई फेल्ट आफ्टर फॉलोइंग द स्टेप। तो एक डिटेल वे में शेयर करूंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, देन ऑल यू विल कम टू नो कि आफ्टर यूजिंग ईच पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट व्हाट आई फेल्ट। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शो योर लव एंड सपोर्ट। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू एंड अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। सो दिस इज द प्रोडक्ट। ये है हमारा O3 प्रोफेशनल का रेडियंस एंड ग्लो इंस्टेंट होम फेशियल किट। और ये जो फेशियल किट है इसमें हमें 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1 में हमें मिलता है सीवुड प्यूरिफाइंग क्लेंजिंग जेल, स्टेप 2 में हमें मिलता है विटामिन सी सेल्यूलोज मास्क एंड स्टेप 3 में हमें मिलता है मेलाडर्मा क्रीम। ये जो रेडियंस एंड ग्लो फेशियल किट है, होम फेशियल किट, ये हेल्प करता है हमारे ग्लो को बूस्ट करने में, हमारे स्किन को क्लारिफाई करने में, ब्लेमिशेस को रिड्यूस करने में। और ये जो फेशियल किट है ये सूटेबल है फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। और ये जो फेशियल किट है इसका जो मेन की इंग्रेडिएंट्स है वो है ऑरेंज एंड कोकोनट, एस्कॉर्बिक एसिड, कैमोमाइल एंड एलोवेरा। एट द बैक बहुत क्लियरली हर एक स्टेप के बारे में मेंशन है, उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है एंड डायरेक्शन फॉर यूज़ मेंशन है। जैसे कि यहाँ पे स्टेप 1 का जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो मेंशन है, उसके बाद डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि आपको अपने फेस और नेक पे से अप्लाई करना है, मसाज करना है सर्कुलर मोशन पे, उसके बाद इसको वाइप कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप 2 है उसमें भी पूरा जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो मेंशनड है, उसके बाद डायरेक्शन फॉर यूज़ में मेंशनड है कि हमें अपना फेस क्लीन करने के बाद जो है ये सीट मास्क का फिल्म है इसमें, उसको रिमूव करने के बाद सीट मास्क को अपने फेस पे अप्लाई करना है 10 to 20 minutes, जब तक कि इसका एसेंस पूरे हमारे फेस में अब्सॉर्ब ना हो जाए। उसके बाद हमें स्टेप 3 पे मूव करना है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है स्टेप 3। इसमें भी पूरा इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है, उसके बाद डायरेक्शन फॉर यूज़ में मेंशन है कि हमें इस क्रीम को अपने फेस पे अप्लाई करना है और सर्कुलर मोशन पे मसाज करना, और इसे मसाज करने के बाद हमें क्रीम को रिमूव नहीं करना है, इसको अपने स्किन पे ही छोड़ देना है। उसके बाद आते हैं इसके प्राइस लिस्ट पे। तो ये जो फेशियल किट है वो रिटेल करता है फॉर 245 rupees। तो नेक्स्ट चलिए अब स्टार्ट करते हैं छोटे से डेमो के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी जो हमारा स्टेप 1 है क्लिनजिंग जेल। और आप देख सकते हैं ये जो क्लिनजिंग जेल का जो कलर है वो एकदम रिफ्रेशिंग सा लाइट ब्लू कलर है। जैसा इसका कलर है एकदम रिफ्रेशिंग सा, वैसे ही अप्लाई करने के बाद ये मेरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन किया और फेस एकदम रिफ्रेश्ड एंड कूल फील हो रहा था। क्लिनजिंग जेल को यूज़ करने के बाद स्टेप 2 की ओर मूव करते हो। और उसके बाद स्टेप 2 में जो हमारा है विटामिन सी सेल्यूलोज मास्क, ये जो सेल्यूलोज मास्क था इट वाज फुल ऑफ एसेंस, इसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया और इसको मैंने 18 to 20 minutes अपने फेस पे छोड़ा ताकि जितना भी एसेंस है वो पूरे फेस पे अब्सॉर्ब हो जाए। और ये जो सीट मास्क है वो भी मेरे को काफ़ी पसंद आया इस फेशियल किट का, क्योंकि फेस शीट मास्क रिमूव करने के बाद फेस एकदम हाइड्रेटेड, क्लीन और एकदम ग्लोई ग्लोई फील हो रहा था। उसके बाद इसको रिमूव करने के बाद अब मूव करते हैं स्टेप 3 की ओर। जो हमारा स्टेप 3 था वो था मेलाडर्मा क्रीम, जो कि मेरे को एकदम भी इसका जो ये क्रीम है पसंद नहीं आया, क्योंकि जबकि लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं, बट अप्लाई करने के बाद ये इतना ज़्यादा ऑयली फील हो रहा था। मैं सजेस्ट करूँगी कि जिनका ऑयली ड्राई स्किन है वही इस फेशियल किट को यूज़ करें, क्योंकि जो इसका स्टेप 3 क्रीम है वो पर्सनली मेरे को इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेस को ऑयली कर दिया था। सो ओवरऑल जिनका ड्राई स्किन है उसके लिए ये फेस किट जो है वो काफ़ी अच्छा है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। होपिंग सो आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू प्लस डेमो वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।